अरे यार गाय को भी यहीं पकड़ा। अरे कक्का कक्का क्या बे भाई, गांव में पूरा तूफान आ गया, कोई की छत उड़ गई, कोई की टीन उड़ गई, सब उड़ गई। मैं करूं कुछ मैं? अरे तो तुम पटवारी से बात करो और मुआवजा दिलवाओ। मुआवजा? मुआवजा तेरे क्या हुआ? अरे तुम मेरे सबसे बड़ा घाटा भाव है। अरे उड़ गई बा, मेरी चड्डी उड़ गई। काका जी। हाँ बेटा। एक समस्या है। काय की भाई? ये दुनिया को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। कौन सा सवाल आता है दिमाग में रे? ये बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? बेटा बेरोजगारी खत्म होगी अपने देश में भाषण देने से। दुनिया कर रही है, खत्म हो रही भाई। सुने भाऊ, कल मैं बालाघाट गया था शादी में, बटे क्या पकवान रे बाबा। भाटा अलग बना है, आलू अलग बना है, ना वो भिंडी बनी है, ना गवार फली, ये मीठा वो मीठा, लेकिन भाऊ भाटे की सब्जी बड़ी टिकी बनी। ठीक है, कसम से बोल रहा हूँ, सुबह जब मैं ढाबा ले गया ना, भेजा आ गया। बाप अभी तक दिक्कत हो रही थी पेट में, ऐसे चिक मारे बनाओगे तुम मनमानी, थोड़ी सी मिर्ची कम डाल दो रे भैया, भाटा खाने का शौक है बोला तुम दो पेड़ के तुम तो दोबारा डाटा बालाघाट शादी में डाटा। सुन रंगा, तू मेरे पैसे वापस कर दे और पूरे खाना खत्म कर दूंगा मैं। मेरे पास में सुन, मेरे पास में बंदूक है, AK-47 में बस तलवार चक्कू है, छुरी है, सब तेरे पेट में गपा गप घोप दूंगा तेरे में। मेरे कुत्ते कमीने, मेरे पैसे ला कर दे, तू ला कर दे और तेरे खाना का मैं बम छुड़ा दूंगा बम से। हाँ मेरे पैसे मेरे कल मिला, बात खत्म। फालतू बात करेगा। कितना काय को चिल्ला दिया काका? क्यों भाई, जेल हो जाएगी ऐसे में? काय के लिए? तेरा नंबर चले गया उसके पास? ये पकड़ रहे मोबाइल पकड़। कक्का जी। हाँ बेटा। मान लो कि एक छोटी सी गली है सकरी सी, वहाँ दो लड़की खड़ी है अबूबो स्कूटी में। हाँ। और एक नंबर देखा था भाई। हाँ बुबो। तो फिर मैं रोड के आगे जाने हैं। हाँ। तो मैं कैसे जाऊँ भाई? हाँ। तेरा कहीं का? जब अबे जब दो लड़की वहाँ पे खड़ी है, सूरत है, उनको देखना भाई। अरे कक्का बगाड़ देता भाऊ। नई कार लिया हूँ मैंने, इसको लेने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि शादी करने के बाद और नई कार लेने के बाद ये महसूस होता है कि कुछ दिन और रुक जाता ना, इससे अच्छी मिल जाती गा। सुनो तो, पालो कल्लो में जा रहा हूँ, मिल जाएगी तुमको भी अच्छी।